तो कभी ऐसा हुआ कभी फॉरेन में गए हो या किसी ने किसी लड़की ने आपको बोल दिया कि बाबा जी आई लव यू ऐसे आपको हो सकता है कि नहीं? तो आई लव यू बोल दिया तो कोई प्रलय हो गई? पर ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे से तो हजारों लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू है? नहीं नहीं मतलब पर ये प्यार अच्छी बात है। प्यार करने का मतलब जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वाला नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं। किसी ने आपको बोल दिया हो कि शादी करनी है मुझे आपसे, ऐसा हुआ कभी? क्योंकि मैंने कहीं पे तो किस्सा सुना था, आप भी बता रहे थे, वो क्या किस्सा हुआ था हम दोबारा सुनना चाहते कुछ तो हुआ था बाबा जी के साथ, बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहां था बाबा? दरअसल मैं बीकेसी में आया, ये 2004 की बात है। अच्छा जी। वो मैंने शिविर लगाया तो करीब सुबह शाम 1-1 लाख भाई बहन आ रहे थे जी। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी, वो मैं शिविर करके निकला तो लोग अपने हाथ पर ऐसे फूंक मार रहे, तो मैंने सोचा ये कोई होता है वो को रीति रिवाज होता हो तो मैंने कहा ये यहाँ मतलब लोग योग करके हाथों में मिट्टी मुट्टी लग जाती है, फूंक फाक क्यों मारते हैं? बोले बाबा जी आपके फैन है। तो मुझे सच में उस समय तक मैं थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़ा था, अभी तो पढ़ ली जी। मैंने कहा फैन तो पंखा होता है वो घूमता रहता है। बोले ये सब बाबा जी ऐसे घूमती फिरती आत्माएं हैं। फिर मैंने कहा ये फूंक क्यों मारते हैं? बोले आपको फ्लाइंग किस देते हैं? तो मुझे पता लगा ये क्या चक्कर होता है। फिर मैं विदेश में गया 2006 में, तो वहां बहुत से लोग आए शिविर में, मेरे पहले शिविर में 5,000-5,000 लोग आए वहां पर जी। तो एक आई औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ। तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं। तो आपने कहा नहीं हगलो हगलो। तो फिर मैंने कहा हगले तो अपने घर में हक के आती है। तो बोले मैंने बाबू जी यही अगना आपके पास तो आपके साथ हक करना है। मैंने कहा मेरे साथ हक नहीं कर रहे पढ़ो। तो उसने बोला आपके साथ अगना है, तो मैंने कहा मैं ऐसे खुलेआम नहीं अगता हूं। वो मैं टेंट में बैठा हुआ था, उधर एक बाथरूम बना हुआ था, मैं कहीं इधर जा। उन्होंने नंबर भी मांगा था ना आपसे, है ना? वो तो लॉस एंजलिस में। अच्छा, किससे काफी हैं आपके पास भी। लॉस एंजलिस में क्या हुआ था बाबा? लॉस एंजलिस में ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कैंप करके उतरा तो एक औरत आई, बोले बाबा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो दुनिया के लिए। उनका शुक्रिया जी, जो भगवान करवा रहा है कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही फकीर आदमी है। बोले बाबा जी मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ, और मेरे पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन इतने मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है, ये मेरे साथ एक 60-65 साल के अजय आर्य जी, मैंने कहा ये मेरे PS हैं, आप जरा इनसे बात कर लो। बोले बाबा जी आपका नंबर चाहिए और मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हटके गया 5 कदम। बोले बाबा जी मैं आपको ना अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक हो तो आपने बता ही दिया था। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। तो मैंने भाप लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ खतरा है। हम साधु फकीर और बिल्कुल कोई मेकअप करके नहीं रखते। कभी देखो आप मेरे हाथ में कोई अंगूठी है जी? बिल्कुल नहीं। पैरों में कोई कुछ नहीं, फैशन फूशन कुछ नहीं है, एकदम खुला एक रहता अपना। तो कपड़ा भी कोई स्किन टाइट जीन्स और कुछ कपड़े कुपड़े ऐसे नहीं पहनते, कोई प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि मैं तो कहता हूँ योग प्रदर्शन के लिए नहीं, योग तो प्रभु के दर्शन के लिए होता है। साहब मैंने एक दिन ना ऐसे, अब मैं सुबह एक बार पूरा पसीने से नहाता हूँ, तो कम से कम 3 दिन में मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ सुबह सुबह मैं शैम्पू करके आ गया और मैं ऐसे बैठा तो बाल खुले हुए थे। बोले बाबा जी हाँ खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते।
मैंने ये पहली बार ये शब्द सुना, ये होता क्या ये? और फिर बाबा जी का क्या ढका हुआ, हमारे यहाँ तो साधु संत तो बहुत से दिगंबर ही होते हैं। वो मैंने सुना है वो कुंभ मेले में जो नागा बाबा होते हैं जी, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है दर्शन के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.